ले लो ले लो ले लो जान क्यों तंग कर रहे हो, इधर दो पेन। मुराद भाई, सुबह हम पार्क में ईद पार्टी करेंगे। मैं आपको भी इनवाइट कर रहा हूँ, जरूर आइएगा। बहुत शुक्रिया जान, लेकिन मैं नहीं आ सकूँगा क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है। अम्मी जान, सुबह मैंने और मेरे दोस्तों ने ईद पार्टी करनी है, उसके लिए मुझे केक बेक कर दे। जान, अभी मेरे पास वक्त नहीं, और भी काम है, अभी बहुत कुछ पकाना है मैंने। लेकिन तुम फिक्र मत करो, ऐसा करती हूँ मैं तुम्हारे बाबा से कह देती हूँ, वो तुम्हारे लिए केक ला देंगे, ठीक है? बाबा जाने, क्या हम दोबारा बाजार जा सकते हैं? नहीं जान, बाजार में भी बहुत रश है। अभी तो मैं शॉपिंग करके आया हूँ, अब थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। मैंने अपने सब दोस्तों को कहा था कि मैं ईद के मौके पर केक लेकर आऊँगा, अगर केक नहीं लेकर गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्या मैं खुद केक बना सकता हूँ? नहीं, लेकिन कल मैं अपने ईदी के पैसों से केक ले आऊंगा और उस पर ईद मुबारक भी लिखवाऊंगा। ये ठीक है, मैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बाकी सब कहाँ हैं? बाबा जानी, मुराद भाई, दादी जान, ईद मुबारक दादी जान। खैर मुबारक जान, तुम तो बिल्कुल सही वक्त पर तैयार हो गए हो और तुम्हारे कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। बाबा जानी, मैं ईद की नमाज के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। चलो फिर चलते हैं जान। ईद का कितनी दूर है? बस करीब ही है, हम पहुंचने वाले हैं। हम वहाँ पर क्या करेंगे? क्या सिर्फ ईद की नमाज पढ़ेंगे? जान, नमाज पढ़ने के बाद हम सबसे ईद मिलेंगे। मेरे दोस्त भी आएंगे ना सब? वो सब भी आए होंगे। फिर वापस आकर हम घर में बहुत सी चीजें खाएंगे, ईद की पार्टी करेंगे और मिलकर खेलेंगे। ईद पे यही सब करते हैं ना बाबा जानी? नहीं बेटा, ईद पर ये सब तो करना चाहिए, लेकिन ईद एहसार का भी नाम है। एहसार? ये क्या होता है बाबा जानी? एक दूसरे का ख्याल रखने को और एहसास करने को एहसार कहते हैं। जिस तरह पूरे रमजान हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एहसास करते हैं, वैसे ही ईद के दिन भी हमें एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। जी तो जान बेटा, ये रही तुम्हारी ईदी। शुक्रिया अम्मी जान, ईद मुबारक। ईद मुबारक। मुराद भाई, आप भी ईदी दे। जान, मैं तो अभी खुद छोटा हूँ, तो मैं तुम्हें ईदी कैसे दे सकता हूँ? लेकिन मैं तो आपसे छोटा हूँ ना मुराद भाई। अच्छा ठीक है जान, ये लो तुम्हारी ईदी। जी हाँ जान, तुम मरियम से बड़े हो, अब चलो जल्दी करो, निकालो तुम भी मरियम की ईदी। बेकरी तो बंद है, अब क्या होगा? और मैं अपने दोस्तों को क्या कहूँगा? जान बेटा, क्या हुआ? आओ ना बाहर, सबके साथ मिलकर बैठो। नहीं अम्मी जान, मेरा दिल नहीं चाह रहा। सरप्राइज! वाओ, केक! ये केक कहाँ से आया? मैंने बनाया है जान, जाओ और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। अम्मी जान, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं जान, केक खाकर बताना कि कैसा बना, उम्मीद है तुम्हारे दोस्तों को पसंद आएगा। हाँ।
ये ये केक खाएंगे। ये ये ये